सो फ्रेंड्स, आने वाले आईफोन 15 में एक बहुत बड़ा अपडेट होने जा रहा है और ये अपडेट आईफोन का आज तक का सबसे बड़ा अपडेट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अपडेट से आईफोन यूजर को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और साथ में आईफोन कंपनी को इस अपडेट से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे नए आईफोन यूजर के लिए यह अपडेट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए क्या है अपडेट इस वीडियो में। यूरोपियन यूनियन ने 3 हफ्ते पहले लागू किया था यूनिवर्सल चार्जर नियम। क्या है यूनिवर्सल चार्जर नियम और आईफोन 15 में क्या अपडेट आने वाली है, इस वीडियो में देखते हैं। एप्पल यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देने के लिए तैयार हो गई है। इस बात की जानकारी एप्पल के मार्केटिंग चीफ ग्रेग जोसविक ने दी है। यूरोपियन यूनियन के यूनिवर्सल चार्जर नियम को लागू करने के बाद ही एप्पल अपने डिवाइसेस में सिंगल चार्जिंग पोर्ट ऐड करने के लिए तैयार हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने 3 हफ्ते पहले लागू किया था यूनिवर्सल चार्जर नियम। दरअसल यूनिवर्सल चार्जर नियम पार्लियामेंट ने 3 हफ्ते पहले यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू किया था। यूरोपियन यूनियन ने इस नियम के तहत 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप समेत सभी डिवाइस के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट ऐड करने का निर्देश दिया था। मतलब सभी कंपनियों को मोबाइल फोन में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों रुपये खर्च कर रहे थे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, नियम का पालन करना होगा। ग्रेग जोसविक से कैलिफोर्निया में वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि यूरोपियन यूनियन के यूनिवर्सल चार्जर नियम के तहत एप्पल अपने आईफोन के लाइटिंग चार्जर को यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से चेंज करेगा। इस पर जोसविक ने कहा, जाहिर है हमें यूरोपियन यूनियन के नियम का पालन करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आईफोन 15 और 16 सीरीज को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ ही पेश किया जाएगा। जोसविक ने बताया कि एप्पल यूएसबी टाइप सी चार्जर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है। यह पूछे जाने पर कि एप्पल अपने आईफोन मॉडल्स में यूएसबी टाइप सी चार्जर कब से देना शुरू करेगा, इस सवाल के जवाब में जोसविक ने कहा, यूरोपियन कस्टमर्स के लिए समय तय करने वाले यूरोपियंस ही हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स देशों के अलावा बाहरी देश जो फोन बेच रहे हैं वो एप्पल के लाइटनिंग चार्जर को चेंज करेंगे या नहीं। आईफोन 15 सीरीज को यूएसबी सी पोर्ट के साथ किया जाएगा लॉन्च। ग्रेग जोसविक ने बताया कि नए नियम को लेकर एप्पल और यूरोपियन यूनियन के बीच असहमति है। उन्होंने कहा कि सभी लाइटनिंग चार्जर्स को टाइप सी से बदलने से बहुत ज़्यादा ई कचरा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार आईफोन 15 सीरीज को 2023 के आखिरी अंत तक लॉन्च किया जाएगा। यह पहला मॉडल होगा जो यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ शिप होगा। एप्पल ने पहले ही अपने मैक, कई आईपैड मॉडल्स और यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ एक्सेसरीज की शिपिंग शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी 2023 से आईफोन 15 में यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट, एंट्री लेवल आईपैड और एयरपोर्ट्स के चार्जिंग केस को शामिल करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को ईयू के निर्देश, 2024 तक सभी डिवाइस में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाएं। यूरोपियन यूनियन ने कहा था इस फैसले से कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो यानी कि $267 मिलियन यानी 2075 करोड़ रुपए तक की बचत कर पाएंगे। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। एप्पल ने इस पर कहा था कि यूरोपियन यूनियन के यूनिवर्सल चार्जर के फैसले से न सिर्फ यूरोप के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ग्राहकों को दिक्कत होगी। ई रीडर्स, ईयरबड्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल डिवाइस पर भी नियमों का असर होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि यूरोपियन यूनियन के फैसले से एप्पल को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके किसी भी डिवाइस में टाइप सी केबल काम नहीं करते। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एप्पल लाइटनिंग केबल से चार्ज होने वाले पुराने डिवाइस में टाइप सी कनेक्टर ऐड करने के बजाय टाइप सी कनेक्शन वाले नए डिवाइस लॉन्च कर सकता है। यूएसबी टाइप सी चार्जर बाकी चार्जर से कैसे बेहतर है फ्रेंड्स? जैसे ये अलग अलग कंपनी के स्मार्टफोन रहेगा तो इसके लिए आपको मल्टीपल चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही चार्जर से सारा चार्ज हो जाएगा। इसके बाद इस पोर्ट में क्या होता है, आप उल्टा सीधा कैसे भी लगाएं ये दोनों तरह से काम करता है। इस यूएसबी टाइप सी चार्जर से जो चार्जिंग की स्पीड होती है वो फास्ट और डेटा स्पीड से ट्रांसफर होता है। इसमें स्ट्रांग वोल्टेज की वजह से 0.5 वाट से 100 वाट तक चार्जर से कई सारे डिवाइस भी एक साथ चार्ज हो सकते हैं।
एक ही पोर्ट से कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप फोन चार्ज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर, ईयरफोन से गाना सुनना, सारे आप यूएसबी टाइप सी पोर्ट से कर सकते हैं। अगर दो फोन टाइप सी पोर्ट के हैं तो आप एक फोन से दूसरे फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। इस तरह से यूएसबी टाइप सी बाकी चार्जर से बेहतर है। ऐसे में देखा जाए फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन ने जो ये यूनिवर्सल चार्जर नियम का अपडेट दिया है, ये आने वाले समय में काफ़ी हद तक सही हो सकता है और इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज को भी रोका जा सकता है। इससे पॉल्यूशन भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, तो इस तरह से ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ऐसे आपको ये अपडेट कैसी लगती है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।